बात लोकतंत्र में जितनी अहमियत सत्ताधारी दल की होती है उतनी ही अहमियत होती है विपक्ष की। लेकिन विपक्ष यहां कई मोर्चों पर विफल होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष के पास पीएम मोदी के टक्कर का कोई चेहरा नहीं है, ये बात समझ आती है। राहुल गांधी हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में एक जो बहुत बड़ा फर्क है वो है 24 घंटे राजनीति ना कर पाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे देश में काम और राजनीति दोनों कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये परसेप्शन बन चुका है कि राहुल गांधी शायद कभी कभी राजनीति करते हैं और बाकी टाइम वो अपने कई कामों में व्यस्त रहते हैं, जबकि विपक्ष को किसी एक बड़े चेहरे की जरूरत है। अब अमित शाह जैसा रणनीतिकार वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष के पास नजर नहीं आ रहा। मुद्दों को लेकर विपक्ष में एकजुटता ना होना, ग्राउंड पे वर्कर्स का ना होना, बड़े चेहरों की कमी और चुनाव में उतरने की हिम्मत ना होना, अभी जरूरत है कि जितने भी बड़ी पार्टीज हैं जो एकजुट हैं विपक्ष के तौर पर, उनके बड़े चेहरे चुनाव में उतर कर माहौल बनाए। लेकिन शायद ज्यादातर बड़े चेहरे चुनाव में नहीं उतरना चाहते। इसके साथ साथ मुद्दों की कमी और ग्राउंड पर वर्कर्स की कमी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो विपक्ष को कमज़ोर बनाती है। सीट शेयरिंग पर भी कोई फैसला नहीं हुआ, हालांकि सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है जो चुनौती एनडीए के लिए भी है तो इंडिया गठबंधन के लिए भी है। एक के बाद एक कांग्रेस के कई नेता टूट रहे हैं क्योंकि उनको अपना भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित अगले 10 सालों के लिए नजर नहीं आ रहा। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हर वो व्यक्ति जो कांग्रेस का साथ छोड़ के जा रहा है उससे जब हम बात करते हैं तो वो अपने भविष्य की चिंता बताता है। अब कांग्रेस इसे लेकर बेफिक्र है या वो चाहती है कि एक बार जितने भी लोग हैं वो चले जाएं और दोबारा से कांग्रेस शुरू हो, क्योंकि राहुल गांधी से जुड़े लोग तो यही बताते हैं। और इतना ही नहीं, राहुल की न्याय यात्रा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यात्रा को छोटा कर दिया गया है, सही समय पर शुरू नहीं हुई और इस समय राहुल को सीट बंटवारे पर बैठकों के दौर में होना चाहिए था। जहां जहां राहुल की न्याय यात्रा गुजरी वहां वहां गठबंधन की एकजुटता भी बिखरती चली गई, ये भी एक बड़ा सवाल था, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो। हालांकि बंगाल में इस पूरे अलायंस को लेकर स्ट्रैटेजी विपक्ष की तरफ से बताई जा रही है। दरअसल जब विपक्ष का नया नवेला इंडिया गठबंधन बना तो उसमें करीब 30 राजनीतिक दल थे, लेकिन चुनाव से पहले हुआ क्या? इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार अब अलग हो चुके हैं, जिनका प्रभाव 40 सीटों पर सीधा था। ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए सभी 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इसके पीछे कांग्रेस के साथ रणनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने आपस में खींचता नजर आ रही। पंजाब में भी कांग्रेस और केजरीवाल की रणनीति है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी जिससे वोट डाइवर्स रहें। अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो भाजपा को फायदा हो सकता है, लेकिन इससे जनता में कन्फ्यूजन। बाकी राज्यों में भी सीट शेयरिंग पर फैसला अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर जिस जोर शोर से इंडिया गठबंधन के नाम का ऐलान किया गया था, उस तेवर और कलेवर के साथ गठबंधन को एकजुट रखने में कांग्रेस नाकाम रही। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने गठबंधन को बड़े भाई की भूमिका में जो एकजुट रख सकती थी उसमें भारी कमी नजर आई। तो विपक्ष की इन खामियों की वजह से बीजेपी एक बार फिर लीड लेती दिखाई दे रही है और बीजेपी अपनी एकजुटता के जरिए लक्ष्य का 80% स्कोर करती नजर आ रही है।